हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास सिक्स में आज साइंस में आपको विद्युत इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताने जा रहा हूँ। इलेक्ट्रिसिटी यानी कि एक विद्युत बिजली, विद्युत ऊर्जा क्या है, बिजली ऊर्जा क्या है, विद्युत ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण विद्युत ऊर्जा एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह हमारे दैनिक जीवन में विशेष महत्व रखता है। हमारे प्रतिदिन के जीवन में विद्युत का बहुत ही विशेष महत्व है। घरों व उद्योगों में अनेक प्रकार के कार्य विद्युत के द्वारा किए जाते हैं। बिजली के द्वारा बहुत से कार्य किए जाते हैं, जैसे कि घरों में टीवी का चलाना है तो बिजली से चलती है, पानी की मोटर चलाना है तो बिजली से चलती है, फ्रिज चलाना है तो बिजली से चलता है, कूलर चलाना है, एसी चलाना है, मिक्सी ग्राइंडर चलाना है, घर के पंखे बल्ब आदि सभी का उपयोग जलाने के लिए, चालू करने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है। बिना बिजली के ये सारे उपकरण बेकार हैं। इसी तरह उद्योग क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में बड़ी बड़ी मशीनों, कल कारखानों को चलाने के लिए विद्युत की आवश्यकता होती है, बिजली ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस ऊर्जा के द्वारा प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, तभी वस्तुएं हमारे तक पहुंच पाती हैं। अब विद्युत ऊर्जा के स्रोत क्या है, विद्युत ऊर्जा हमें मिलती कहाँ है, ये जान जैसे जल के स्रोत है, वायु के स्रोत है, उसी तरह विद्युत ऊर्जा के स्रोत। यह विद्युत ऊर्जा कहाँ से मिलती है, ये जाए सबसे पहले आता है विद्युत जनित या डायनमो। जैसे कि आप लोगों ने जनरेटर देखा हो, शादी फंक्शन प्रोग्राम कुछ बड़ा होता है तो घरों में अचानक लाइट चली जाने के कारण क्या किया जाता है, जनरेटर की व्यवस्था की जाती है। जनरेटर में एक इसको कहते हैं विद्युत जन, यानी विद्युत को जन्म देने वाला डायनमो के द्वारा विद्युत का यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी बंद कुंडली को घुमाया जाता है तो चुंबकीय प्रेरण के कारण घुमाने में व्यय हुई विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। आपने जनरेटर को देखा होगा, जब स्टार्ट किया जाता है तो उसके हैंडल में एक क्या किया जाता है, कुंडली में हैंडल लगा के उसको तेजी से घुमाया जाता है और घुमाने के बाद उसके बटन को डाउन कर देते हैं, जिसके दबाव से वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और वो जनरेटर स्टार्ट हो जाता है। जब जनरेटर स्टार्ट हो जाता है तो क्या होता है, पूरे घर में गई बिजली पुनः आ जाती है। तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की एक तकनीक होती है, जिसके कारण जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में उसको बदल देता है। ठीक है, ओके। दूसरा आता है, पहला नंबर है डायनमो।
दूसरा नंबर आता है काम युग। ताप युग में, ताप युग में दो अलग अलग धातुओं से बना एक ऐसा परिपथ होता है, दो अलग अलग धातुओं के सिरों को जब जोड़ करके एक ऐसे परिपथ बंद परिपथ बनाया जाता है जो धातुओं से बने इस युग्म को, अलग अलग धातुओं के दो युग्मों से बने इस युग्म को क्या कहते हैं, ताप युग्म। इसके द्वारा भी विद्युत का उत्पादन। दूसरा आता है प्रकाश, प्रकाश विद्युत से। प्रकाश विद्युत से आपको शॉर्ट में समझा दे, शॉर्ट से जब सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को, जब सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को एक सेल में कैच कर लिया जाता है और उस सेल के माध्यम से विद्युत का उत्पादन होता है तो इसको क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत सेल, यानी कि सौर से। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने वाला उपाय प्रकाश विद्युत सेल कहलाता है। इसका उपयोग कृत्रिम उपग्रहों यानी कि आर्टिफिशियल जो आपके सैटेलाइट हैं उनमें, अंतरिक्ष यानों में और सौर बैटरी में किया जाता है। ये सिद्धांत सौर बैटरी यानी सौर सेल के आधार पर आधारित है। कि आपने देखा होगा आजकल के समय में कि घरों के ऊपर ऐसे पैनल लगा दिए जाते हैं और इस पैनल से पीछे वायर कनेक्ट होता है। वायर कनेक्ट होने के बाद इसका उपचार बैटरी में इसको उतार लिया जाता है, चार्ज कर लिया जाता है और फिर पूरे घरों या ऑफिस में इस बिजली का उपयोग अन्य कार्यों के लिए किया जाता है। चौथा आता है विद्युत। विद्युत से अब ये क्या होता है इस पे जाने, जैसे आप घरों में अपने घर के दीवार घड़ी में, घर के टीवी के रिमोट में या रेडियो टॉर्च में सेल लगाते हैं, वही सेल ये विद्युत सेल। ये भी तो सेल क्या करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण होता है इसमें रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में होता है और विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के द्वारा ये विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसके उदाहरण डेंजर सेल, शुष्क सेल और वोल्टी सेल है। शुष्क सेल यानी वही शुष्क सेल हम बता रहे हैं जो घर की गाड़ी बैटरी इन्वर्टर के टीवी के रिमोट में यूज होते हैं, एसी के रिमोट में यूज होते हैं, इनको शुष्क सेल कहते हैं। तो विद्युत सेल आपके डेनियल सेल, शुष्क सेल और वोल्टी सेल के उदाहरण है, विद्युत सेल के उदाहरण ये है। तो ये आपके विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा के चार स्रोत की विद्युत ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है। जैसे घरों में डेनियल वोल्टी सेल क्या होता है, जो घर में आप इन्वर्टर लगवाते हैं और उसमें जो बैटरी लगती है वो वोल्टी सेल है और उसमें तेजाब का पानी डाला जाता है बैटरी में, जिसके कारण बिजली से वो इन्वर्टर चार्ज होता है, बैटरा चार्ज होता है और उसके बाद जब आपकी लाइट पावर सप्लाई बंद हो जाती है तो वो आपके पूरे घर में लाइट प्रकाशित करता है, पंखा चलाता है, टीवी चलाता है और विद्युत बल्ब और ट्यूबलाइट को प्रकाशित द्वारा आपके घर में रोशनी होती है। तो बच्चों ये आज आपका विद्युत में विद्युत ऊर्जा और उसके कुछ स्रोत थे, इसके बारे में इसको अच्छे वीडियो से समझ करके कॉपी में सुंदर राइटिंग में लिखें। धन्यवाद।